राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पे है, यानी कि मुंबई पहुंच चुकी है। और ये मुंबई का धारावी इलाका है जहां पर राहुल गांधी का संबोधन, राहुल गांधी का भाषण यहां पर चल रहा है। और तमाम लोग जो देखिए आप हाथ में मोबाइल फ़ोन निकालकर उनकी वीडियो बना रहे हैं। और यहां पर जो जनसैलाब उमड़ा है यहाँ पर वो मुंबई के धारावी इलाके में, और लगातार लोगों के अंदर जोश और जुनून दिखाई दे रहा है तमाम लोगों के अंदर। ये धारावी का यात्रा जो करी है कांग्रेस ने बहुत अच्छी करी है, और जो बीजेपी के कारण GST लगे और नोटबंदी हुआ वो एकदम खतरनाक लगी, और जो आज तक बंदी कभी हुआ नहीं था 2 साल के लिए वो करी कांग्रेस के राज में हुई। इतनी बीमारियाँ आई, इतना कुछ हुआ, मगर कभी भी ऐसे कभी रेल बंद नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, मगर इसके लिए इतना लोगों ने दुख झेला, इतना करा, ये हम ना बहुत दुख है। कांग्रेस के राज में हम सुखी थे, बीजेपी के राज में हम दुखी हो गए हैं। बस हम यही कहना है कि बीजेपी को हटाने का, कांग्रेस को ले आने का, कांग्रेस को कांग्रेस आनी चाहिए हमारी। चुनाव का भी ऐलान हो गया है, कैसे देखते? चुनाव का ऐलान हो गया, हम तो बोलेंगे पंजे को ले आओ, पंजा जिंदाबाद, हमारे कांग्रेस जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। देश को आजाद कराने वास्ते हमारी कांग्रेस थी, कोई बीजेपी नहीं थी, कोई नहीं थी। बीजेपी नेता कहाँ से आए? ये हमारे कांग्रेस में से आए हैं, क्योंकि सिर्फ पहले शुरू में जब आए थे सिर्फ कांग्रेस ही नेता थी, मगर कोई भी बीजेपी का नहीं। की सरकार 10 सालों कैसी लगी? हमारे को सभा बहुत अच्छी लगी है, हम प्रसन्न है राहुल गांधी से भी। मोदी जी की सरकार कैसी लगी? सरकार हमारी वो बेकार थी, हमारे को ये सरकार बनाने की है और ये सरकार हम बना के रहेंगे, ये हमारा वादा है, ये हमारे राजपाल का राजा है। तो मैं कहता हूँ यह यात्रा काफ़ी सक्सेसफुल यात्रा रहने वाली है, क्योंकि देश में बदलाव लाने वाली है। जो 10 साल से हम देख रहे हैं, जो शासन, जो गवर्नमेंट, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, अच्छे अच्छे सपने दिखा के, आज राहुल जी की यात्रा ने एक पॉजिटिव वाइब्स इस नेशन में दिखाई। आज आप देखोगे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है, काफ़ी गपले है, ईडी की रेड आती है, CBI की रेड आती है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। यात्रा खत्म होने के साथ साथ चुनाव आयोग ने चुनाव की भी आज घोषणा कर दी है। 2024 की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ NDA है। मैं तो NDA को कहीं देख ही नहीं रहा हूँ, ये पूरा इंडिया ही रहेगा, पूरा का पूरा ये इंडिया अलायंस ही जीतने वाला है। क्योंकि अगर इंडिया को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ इंडिया ही बचा सकता है। और ये जो मोदी जी जो कह रहे हैं ना 400 पार, मेरे ख्याल से वो राहुल जी का मिशन खुद बता रहे हैं कि इंडिया 400 पार करेगी। मोदी जी को 400 पार तो मेरे ख्याल से 40 पार भी मुश्किल लग रहा है, लगता है नहीं हो पाएगा इस तरीके से। क्योंकि ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट जुमला गवर्नमेंट है। अगर आप 2014 देखोगे तो 15 लाख अकाउंट में आने वाले थे, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद आप देखोगे तो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आ चुकी है। अगर आप बेरोजगारी देखो, आज अगर आप एज देखोगे 25 साल से लेकर 35 साल तक के युवाओं में 42% लोग अनएम्प्लॉयड है, इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स में कम से कम 2.5 करोड़ की ओपन पोजीशंस है, वो कोई फिल नहीं कर रहा है, हर चीज़ प्राइवेटाइज करे। अगर आप PSU देखोगे तो सब PSU बिक रही है। लोग जो आप मुद्दे बता रहे हैं चुनाव के वक्त वो मुद्दे भूल जाते हैं और मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इन मुद्दों पे वोट करते हैं। ये जो जुमला था, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, ये 2014 में बिका, 10 साल के बाद देखा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर पेट खाली हो तो हिंदू हो या मुसलमान क्या फर्क पड़ता है। आप लोगों ने भी पहले सपोर्ट किया था बीजेपी को? कभी नहीं, क्योंकि बीजेपी मतलब RSS है, RSS मतलब मनुवाद है, और ये देश का जो फैब्रिक है वो सेक्युलर फैब्रिक है। ये संविधान पे चलता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था, और ये अगर ये संविधान है जहाँ पे हम लोग हर रिलीजन को इक्वल मानते हैं, हर जाति। मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ का मेरा परिवार है, और इस जब इन्होंने ये बात कही जब तो तमाम नेताओं ने लगा दिया मोदी का परिवार, आपने देखा होगा ट्विटर हैंडल पे लगाया गया, क्या कहेंगे? मोदी जी के परिवार में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, बाकी कोई नहीं है। अगर मोदी जी के परिवार होता तो अगर ये देश की ये हाल नहीं होती, तो इनके परिवार 2 ही लोग हैं। ये पूरा का जो प्रधान सेवक कहते हैं ये अडानी और अंबानी के प्रधान सेवक है, ये देश के प्रधान सेवक नहीं है। आज चुनाव आयोग ने भी एक शेरो शायरी पढ़ी और कहा कि भाई आरोप हम पे एक तरीके से लगाया जा रहा है, और शेरो शायरी में आपने शायद सुनी हो तो क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आज लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप वैसा महसूस करा रहे हो लोगों को। अगर लोग आरोप इसलिए लगाते हैं ताकि उनको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, पार्टियाँ लोग बदल रहे हैं, इलेक्शन आयोग बिक चुका है, यहाँ के नॉमिनेशन इलेक्शन किसी एक पार्टी से होता है दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं होता है। कोई भी पुलिस के साथ ED CBI आती है, अगर वो BJP में चले जाते हैं तो उनको क्लीन चिट मिलती है। लोग बेवकूफ़ और अंधे नहीं है, और ये जो परिवर्तन आएगा ये आज 7 फेज में जो आने वाली है उसमें सत्ता परिवर्तन 100% होगा।
लगातार राहुल गांधी कहते हैं भाई ओबीसी की बात करते हैं, एससी एसटी और आदिवासी समाज की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं, तो लगता है कि ये वोट बैंक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के फेवर में। ओबीसी एसटी एससी इनको सिर्फ चुनावी जुमलों के टाइम पे याद आता है, इनका अगर आप बीजेपी देखोगे तो बीजेपी की जो पेरेंट ये है वो आरएसएस है, आरएसएस है वो मनुवाद और ब्राह्मण पे चलती है, तो इनका आप मुझे बताइए आरएसएस के आज तक एक भी सर संघ चालक एसटी ओबीसी एससी क्यों नहीं बना, हमेशा कोई ब्राह्मण ही क्यों बनता है। आप अगर पहले देखोगे 1926 में आरएसएस बनी थी, हेगड़ेवार जो थे उनके पास गोवलकर थे, रज्जू भैया थे, उनके पास जितने भी 11 है अभी जो है क्या उनका नाम जो भी है मोहन भागवत है, एक भी एससी एसटी ओबीसी क्यों नहीं है। आरएसएस के जितने भी 11 संघ चालक है ये हमेशा ब्राह्मण क्यों रहे। एक आखिरी सवाल आपसे कि मुंबई में हम लोग खड़े हैं और यहीं से अंबानी को घेरा उन्होंने, अडानी को घेरा, तमाम उद्योगपति को घेरा, तो लगता नहीं है कि एक अमीरी और गरीबी की लड़ाई जो है राहुल गांधी उस तरफ जा रहे हैं? अमीरी और गरीबी की नहीं, ये तो जनता के हक की बात है। राहुल गांधी जी अमीरों के खिलाफ नहीं है, वो गरीबों के साथ है, वो चाहते हैं गरीबों को अपना हक मिले, उनको उनका रोजगार मिले, उनका खाना। आज अगर अमीर बिजनेस चलाएगा तो टैक्स देगा तो वही टैक्स से लोगों का भला होगा, तो हम ये नहीं कहते कि अडानी अंबानी कहीं उनको गरीब करो, हम ये चाहते हैं कि वो जो पैसा दे रहे हैं टैक्स में उससे लोगों का भला हो। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गए, भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ का चंदा मिला है, 140 करोड़ की आबादी है, एक आदमी को अगर 2 करोड़ भी दे एक इंसान को तो भी 340 है, तो भी 5,000 करोड़ भाजपा के पास बैठे रहते हैं, भाजपा 6,000 करोड़ लेके बैठा है। मैं तो यहाँ कुबेर 140 करोड़ है, हरे 15 लाख तो छोड़ो 1 करोड़ भी हरे को दोगे तो भी 140 करोड़ तो ऐसे बिकेंगे, फिर भी आपके पास 5,000 करोड़ बचते हैं, उस 5,000 करोड़ का करोगे क्या? चलिए आप बताइए यूथ है, यूथ की क्या उम्मीदें हैं और क्या सोच के यात्रा में आए? राहुल गांधी जी एक यूथ लीडर है और यूथ लीडर देश को एक आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से देश में एक बदलाव का वातावरण आ रहा है उसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, और जो जुमले की सरकार है वो जुमले के सरकार को अभी हटाना है। क्या सोच रहे हैं यूथ और क्यों आए ये राहुल जी के यात्रा में? हमने आए हैं सच्चाई जो लेकर आए हैं राहुल जी, उसके लिए हमने आए हैं मीडिया के सामने, जो मतलब मुझे धारावी के लोगों को सोचना है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मोदी जी कैसे लगते हैं। मोदी जी तो जुमला है, वो कुछ नहीं है, जुमला जुमलाबाजी देते हो। अच्छा, इसलिए हमारे राहुल जी को लाए यहाँ, राहुल जी से यात्रा है कि राहुल जी को जिताएं। चलिए भैया देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और राहुल गांधी की यात्रा जो है वो यहाँ पर पहुँची और तमाम लोगों ने स्वागत किया मुंबई में, और मुंबई के बाद अब कल जो है वो एक रैली होगी जिसके बाद यात्रा पूरी तरीके से समापन हो जाएगा। अब देखना है 2024 के चुनाव में यात्रा का क्या असर पड़ता है। पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। अब यात्राओं के बाद जो लगातार वो मुद्दे रास्ते में उठाते चले आए हैं, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम किसानों का मुद्दा हो, चाहे तमाम जो है आदिवासी का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर कितना काम होता है और कितना असर पड़ता है 2024 के चुनाव में है देखने वाली बात है, लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।